मॉर्निंग। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ठीक हो? अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी की तबीयत खराब होती है तो उसके अपने उसके लिए फ्लावर्स और फ्रूट्स लाते हैं। तो आई एम श्योर करण तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाए होंगे, तो मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ। खाने हैं। अरे क्या कर रही हो, उठ क्यों रही हो? आराम से लेटी रहो ना, आराम करो। क्यों लेटी रहूं? मैं उठ सकती हूँ। ओके, एंड ये फेक कंसर्न मत दिखाओ मुझे। फेक कंसर्न? आई नो के तुमको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि सब लोग क्या सोच रहे होंगे एंड ऑल। प्लीज इसकी कोई चिंता मत करो, और मुझे पता है कि तुम उठ सकती हो एंड आई नो कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। अरे बाबा, तुम तो मौत से लड़कर आई हो, तो कितनी स्ट्रांग होगी? शायद मैंने तुम्हारी जैसी स्ट्रांग लड़की देखी ही नहीं। तुम्हें पता है जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए तुम बिल्कुल गिल्टी या सैड बग फील कर रहे हो। आई नो कि लाइफ में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं, इंसान इतना वीक हो जाता है उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। तो इट हैपेंस विद एवरीबडी, तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। किसी को भी मतलब तुम्हें कुछ कहने ही मत देना, कोई तुम पर उंगली ना उठा पाए। और मैं तो तुम्हारे यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी हेल्प करने आई हूँ। आप पानी पियो ना। पानी नहीं है। रुको रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, दो मिनट। तुम यहां क्या कर रही हो? निधि की तबीयत ठीक नहीं थी ना, मतलब मैंने उसे हॉस्पिटल में इतनी क्रिटिकल कंडीशन में देखा था, तो मुझे लगा कि मुझे एक बार आकर उससे मिल लेना चाहिए, तो मैं मिलने आई थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे घर के किसी भी सदस्य से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? देखो प्रीता, ये हमारा घरेलू मैटर है, तुम इसमें इंटरफेयर ना करो, वही बेटर है। प्रीता, तुम्हें कहीं जाना था ना? वो निधि के लिए पानी लेने जा रही थी, उसको बहुत खांसी आ रही है, मैं उसको फटाफट पानी देती हूँ। मॉम, ये क्या तरीका प्रीता? बस हो गया, घर के मैटर में तुम भी इंटरफेयर ना करो तो बेहतर होगा। इसके आने से पहले कैसे तुम ऑफिस में अपना टाइम पास करते थे, अपने आप को वहीं पे बिजी रखते थे ऑफिस के कामों के साथ, वही करो ना। घर के मामलों में इंटरफेयर करना क्यों शुरू कर दिया तुमने? करीना दी है, मैं हूँ, मम्मी जी है, हम सब हैं, हम हैंडल कर लेंगे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।